बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे आरएस नोमेनक्लेचर फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो हमने पढ़े हैं जितने भी अभी तक, उससे इससे पहले हमने एक कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करने के लिए डीएल कन्वेंशन पढ़ी थी, लेकिन आपने देखा था कि जो डीएल कन्वेंशन है या डीएल सिस्टम है कन्फिग्रेशन को असाइन करने का, वो जो सिस्टम है रिलेटिव सिस्टम है उसमें और लिमिटेड कंपाउंड्स के ऊपर वो अप्लाई होता था। जैसे मैंने पढ़ा था शुगर्स और अमीनो एसिड्स पे अप्लाई होता था, उसमें हम एक रेफरेंस डिसाइड कर लेते थे कि OH राइट साइड पे होगा तो उसको हम जो है वो कह देंगे डी, और अगर OH लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो उसको हम एल कह देंगे। तो वो लिमिटेड था, रेफरेंस बेस्ड था। इस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया कॉन इन गोल्ड प्री लॉग सिस्टम जो था आरएस नोमेनक्लेचर का। इसमें हम क्या करते हैं और इस सिस्टम को हम एब्सोल्यूट जो है वो सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अतबार से, क्योंकि ये सब इसके लिए कोई रेफरेंस नहीं बनाना पड़ता और ये सब ऑप्टिकल आइसोमर जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उन सब के ऊपर ये आप सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, पहले आपको एक बात इस सिस्टम से हटके एक चीज समझनी है, वो क्या है बेटा? आप बताए जो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें कायरल कार्बन होता है उसके साथ उसे चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। उन चारों डिफरेंट ग्रुप्स को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड कायरल कार्बन आर रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी। अब हमने एक बात समझनी है बेटा, डिक्रीजिंग प्रायोरिटी क्या है। हमारे पास ये जो चार ग्रुप्स हैं, चार ग्रुप्स डिफरेंट हैं अगर, तो इसका मतलब बेटा क्या है, हर एक का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो हमने क्या करना है, चारों ग्रुप्स में से पहले तीन प्रायोरिटी हमने असाइन कर देनी है, चौथी ऑटोमेटिकली जो है वो फोर्थ नंबर पे होगी। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी है इसको हमने कॉन्सेंट्रेट करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर जिस एटम का होगा, जो कायरल कार्बन के साथ चार ग्रुप्स अटैच हैं उनमें से जो डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है उसमें जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको हम टॉप प्रायोरिटी लिखेंगे वन। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपोज करता हूं कि एक ग्रुप हाइड्रोजन अटैच है, अब मॉलिक्यूल की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन अटैच है, एक कार्बन अटैच है, एक नाइट्रोजन अटैच है और एक फ्लोरीन अटैच है। कार्बन के साथ फर्ज कर लें ये चार एलिमेंट्स अटैच हैं डायरेक्ट, उनकी वैलेंसी हम सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं डायरेक्ट ये अटैच है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर बताएं किसका होगा, अब कहता फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है तो इसकी टॉप प्रायोरिटी आ गई 1, और फिर नाइट्रोजन उसके बाद उसका होता है 7 तो इसका टॉप सेकंड प्रायोरिटी आ गई। कार्बन का 6 होता है इसकी थर्ड प्रायोरिटी आ गई। हाइड्रोजन का 4 होता है इसकी फोर्थ प्रायोरिटी आ गई है। तो ये प्रायोरिटी आपने लगा देनी है। इसकी मिसाल यहां भी देख सकते हैं आप, ये एक फिशर प्रोजेक्शन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप बताएं ये कायरल कार्बन है, इसके साथ डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, इसके साथ डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है, हाइड्रोजन आगे ऑक्सीजन से अटैच है उसकी बात नहीं करें, डायरेक्ट जो अटैच है ऑक्सीजन है, इधर डायरेक्ट कार्बन अटैच है, इधर डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है। ये जो तीन हाइड्रोजन है वो आगे कार्बन से अटैच है, हमने डायरेक्ट कार्बन की बात यहां करनी है। तो अब बताएं किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, तो क्लोरीन का बेटा 17 होता है तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, इसको टॉप प्रायोरिटी देंगे 1। फिर ऑक्सीजन का 8 होता है तो इसको सेकंड प्रायोरिटी देंगे, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6 तो इसको थर्ड प्रायोरिटी देंगे, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 तो देखिए इसको फोर्थ प्रायोरिटी पे फोर्थ नंबर हमने असाइन कर देना है। यानी कि ये जितने भी आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं इस पे फर्ज करें, मैं आपसे कहता हूं इसमें आप बताएं कि कौन सा जो टॉप प्रायोरिटी किसकी होगी चारों ग्रुप्स में से। तो आप गौर से देखेंगे कि क्लोरीन से नीचे होता है ब्रोमीन। ये आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पोजीशन का अंदाजा होना जरूरी है, जिसलिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल कहा था आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि फ्लोरीन से नीचे है क्लोरीन। फ्लोरीन अगर होता, एक क्लोरीन होता, एक ब्रोमीन होता और एक आयोडीन, यही अगर चार ग्रुप लगे होते कार्बन के साथ तो टॉप प्रायोरिटी बताओ किसकी होती, फ्लोरीन आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे नीचे है, हर एक एटॉमिक नंबर तो नहीं आप याद कर सकते, तो उसकी पोजीशन से अंदाजा हो जाएगा कि सबसे टॉप प्रायोरिटी इसकी आएगी, इसकी सेकंड प्रायोरिटी आएगी, इसकी थर्ड आएगी, इसकी फोर्थ आएगी। तो इसका मतलब आप लोकेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी ग्रुप की जो है वो अरेंजमेंट और उसका नंबर प्रायोरिटी में क्या होगा। तो इस तरह आपको उसकी पोजीशन का जब अंदाजा होगा बेटा तो आप आसानी से नंबरिंग बता सकते हैं। अब यहां पे हम बात कर रहे थे कि ये अगर आपके पास हाइड्रोजन है,
क्लोरीन है, ब्रोमीन है, मिथाइल है। तो ब्रोमीन आपको क्लोरीन से नीचे होता है तो इसका बेटा टॉप प्रायोरिटी आएगा वन। उसके बाद क्लोरीन आएगा या कार्बन आएगा, क्लोरीन का होता है उससे 17 है तो ये दूसरी प्रायोरिटी आ गई, और कार्बन की यकीन तीसरी होगी, हाइड्रोजन का टर्मिनल नंबर वन है तो ये फोर्थ प्रायोरिटी पे आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखें, अगर आप देखें प्रायोरिटी क्लोरीन की वन है, क्यों वन है, क्योंकि इधर ऑक्सीजन है इधर कार्बन, तो क्लोरीन ऑक्सीजन और कार्बन, या आपको याद करना पड़ेगा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो उसकी प्रायोरिटी वन आएगी, उसके बाद ऑक्सीजन का उससे कम होता है तो उसकी सेकंड आएगी, और उससे नीचे कार्बन है उसकी थर्ड आएगी, और हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है ये हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी पे ही होगा। तो हमने अभी मैंने सिर्फ आपको नाम लिखना नहीं सिखाया, सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर लिखना सिखाया है कि आपको ये पता चल जाए, वो भी सारा नहीं बस सिर्फ प्रायोरिटी ऑर्डर आपने लगा लिया है कि ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर। अगर आपने ये असाइन कर दिया है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या वो ऐसे होगी वन टू थ्री, अगर ये प्रायोरिटी ऐसे बने वन टू थ्री तो इसका मतलब बेटा होगा ये घड़ी का देखे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो देखे ये क्या बनता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो तो इसको हम कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन, और इससे बनेगा रेक्टस वर्ड से निकला है आर, इसका मतलब होता है राइट या क्लॉकवाइज। ये दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वन यहां हो, टू इधर हो, थ्री ऊपर हो, ये भी हो सकता है। चौथी की बात नहीं करनी हमने, चौथी से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड नहीं करते, वो हम बाद में बात करते हैं उसकी। वन टू और थ्री को देखो, अब वन इधर है, टू इधर है, थ्री इधर है, ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आप देखें वन इधर है, टू इधर है, थ्री इधर है, तो जो जो पॉसिबिलिटी होती है मैंने सारी ड्रॉ की है। अगर ऐसा हो तो वन टू की तरफ जाना आपने, तो ये क्या डायरेक्शन बनी क्लॉकवाइज, इसमें वन इधर है, टू इधर है, थ्री इधर है, फिर भी ये क्या बना क्लॉकवाइज, आपने वन से टू की तरफ जाना है, टू से थ्री की तरफ, ठीक है। अब ये पॉसिबिलिटी है वन टू और थ्री इधर है, तो फिर आपने फिर ये टू की तरफ जाना है, तो फिर ये क्लॉकवाइज बना। तो ये सारी वो पॉसिबिलिटीज है जिसमें वन और टू और थ्री का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, जब भी ये हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि वन ऊपर हो, टू लेफ्ट साइड पे हो, थ्री राइट साइड पे हो, तो हमने टू की तरफ जाना है ना वन से, तो वन से टू की तरफ जाएंगे, तो ये पहले बना था इस तरफ क्लॉकवाइज, अब क्या बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे सिनिस्टर वर्ड से एस कॉन्फ़िगरेशन, और ये इसका मतलब होगा लेफ्ट, और ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एक है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। अब वन इधर है, टू इधर है, थ्री ऊपर है, तो हमने वन से टू की तरफ जाना है, तो यहां वन से टू गए थे तो क्लॉकवाइज बना था, यहां वन से टू जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। इससे यहां पे आ जाए वन इधर हो, टू इधर हो, थ्री उधर हो, फिर क्या होगा, फिर ये क्या बनता है वन से टू की तरफ जाए तो एंटी क्लॉकवाइज। इधर देखिए वन इधर है, टू इधर है, थ्री इधर है, अब ये नहीं करना आपने थ्री की तरफ से टू में जाए, आपने टू से थ्री की तरफ जाना है, तो ये भी क्या बनेगा इस तरफ, जब थ्री इधर है तो इधर यकीनन फोर होगा, तो फोर को हम बाईपास कर सकते हैं लेकिन थ्री को बाईपास नहीं कर सकते। ये बात आपने याद रखनी है कि फोर चूंकि लिखा भी इसके लिए क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे फिलहाल नहीं है, तो हमने टू की तरफ से जाना है, बेशक हमें लंबा चक्कर पड़े, तो ये क्लॉक ये क्या बनता है एंटी क्लॉकवाइज। तो वन टू थ्री प्रायोरिटी लिस्ट में जो मैंने लिखा है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्लॉकवाइज बन रहा हो तो इसको बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन, अगर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा हो तो उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलेंगे हम एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बता बात आपने याद रखनी है। अब हम इसकी प्रैक्टिस के लिए देखेंगे कि ये एक कंपाउंड आपके सामने फिशर प्रोजेक्शन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया पहले बता चुका हूं कि देखें इसमें फिशर प्रोजेक्शन में एक बात याद रखनी है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमेशा कहां होना चाहिए, बॉटम पे होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन की बॉटम पोजीशन पे होना जरूरी है, ये याद रखनी है आपने। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमेशा कहां होना चाहिए फिशर प्रोजेक्शन में, बॉटम वाली पोजीशन पे होना चाहिए, अगर ना हो तो हम उसको बॉटम वाली पोजीशन पर लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि यहां मैंने पहले आपको समझा रहा हूं, मैंने पहले एग्जाम्पल ली वो है जिसमें वो बॉटम पर मौजूद है, मैंने जानकर उसको बॉटम पे ही रखा है, ताकि अभी मैं जो रूल समझाना चाहता हूँ वो सिर्फ समझे आप। अब देखें ये मैं बता चुका हूं, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर्थ पोजीशन वाला बॉटम पे है, तो अब देखें ये वन टू थ्री क्या ऑर्डर बनता है बताएं, वन टू थ्री इधर आ रहा है या उस तरफ आ रहा है, तो ये वन से टू की तरफ जाए तो ये क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है,
एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं, एस कॉन्फ़िगरेशन। मेरा ख्याल आप आसानी से समझ गए हैं। अब इसमें आए, ये कलरिंग का टॉमी नंबर ज्यादा वन, इसका उससे कम टू, इसका उससे कम थ्री, और ये टॉमी नंबर सबसे कम फोर्थ वाला नीचे है। अब देखें वन टू थ्री, तो ये क्या बन रहा है, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है। तो ये बेटा क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या किया मैंने, इसको जो है वो इसको इधर कर दिया है, ठीक है। इसकी ये देखिए, इसका बेसिकली ये मिरर इमेज है दूसरे के, तो मिरर इमेज आपको पता है वैसे भी अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है डेक्स्ट्रो, तो ये क्या होगा, लीवो। क्लियर है? तो ये डीएल के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन देता, आप याद रखें, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि उसकी जो प्रायोरिटी ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का, जो टॉप प्रायोरिटी उससे सेकंड वाली थर्ड वाली, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो किस तरफ डिक्रीजिंग ऑर्डर बनता है, या क्लॉकवाइज बनता है या एंटी क्लॉकवाइज बनता है, सिर्फ ये बात हमें इससे पता चल सकती है। अब यहां पे आ जाएं इस स्ट्रक्चर में कि ये क्लोरीन का पहला नंबर है, OH ऑक्सीजन का दूसरा प्राइमरी नंबर आता है, बाद में कार्बन का तीसरा नंबर भी आता है, हाइड्रोजन का चौथे नंबर भी, मैं पहले बता चुका हूं, इसे मैंने डायरेक्ट बताया इसमें। अब देखिए 1 2 3, तो ये क्या बना, कौन सा ऑर्डर बनता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी, एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो ये जो हमने तीन एग्जांपल्स किए, इसमें हाइड्रोजन बेटा कहां था, बॉटम पर, तो इसलिए ये बॉटम पे हाइड्रोजन है, या चौथा ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ प्रायोरिटी पे जो भी ग्रुप होगा, वो जो भी ग्रुप होगा बेटा याद रख लें, वो बॉटम पे होना जरूरी है। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई ग्रुप है तो उसका भी बॉटम पे होना जरूरी है, वो हम बाद में प्रैक्टिस करते हैं उसकी। अब देखें यहां पे आ जाएं, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉटम पर नहीं है, हाइड्रोजन बॉटम पर नहीं है। अब नंबरिंग तो आपने कर ली, वन है, ये टू है, ये थ्री है, और ये फोर है, क्योंकि ब्रोमीन का डोमिन नंबर क्लोरीन से ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है हाइड्रोजन कार्बन से, कार्बन का ज्यादा हाइड्रोजन से, तो वन टू थ्री फोर, ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी सारी बातें। अब मैंने कहा था पहले रूल में कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप बॉटम पे होना चाहिए, लेकिन यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो मैंने कहा था अगर ऐसा हो तो उसको बॉटम पे लेकर आएंगे, क्या करेंगे, बॉटम पर लेकर आएंगे, उसके बाद फिर जो प्रायोरिटी ऑर्डर बनेगा क्लॉकवाइज तो आर, एंटी क्लॉकवाइज तो एस। अगर बेटा याद रखें, अगर टॉप फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप लेफ्ट साइड पे है, तो आपने बेटा क्या करनी है, इंटरचेंजेस करनी है, कुछ क्या करनी है, इसको आपने इसकी जगह पे लेके आना है, क्योंकि इसको हमने नीचे लेके आना ही आना है, इसको इसकी जगह पे ले जाना है, और इसको इसकी जगह पे ले आना है, ये बात आपने याद रखनी है। दोबारा समझ ले इस बात को, क्या कहा मैंने, हाइड्रोजन को चूंकि हमने मैंने कहा था कि नीचे होना जरूरी है, तो हाइड्रोजन को नीचे लाने के लिए इसको इधर लेके आएंगे, इस मिथाइल को इधर ले जाएंगे, इस ब्रोमीन को इधर ले आएंगे, तो बताएं स्ट्रक्चर क्या बनेगा। मैं दोबारा यहां लिखता हूं, फर्ज करें ये है हाइड्रोजन नीचे आ गया जो हम चाह रहे थे, मिथाइल चला गया ब्रोमीन की जगह, और ब्रोमीन चला गया किसकी जगह, हाइड्रोजन की, ये ब्रोमीन इधर आ गया, इसको नहीं छेड़ना, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा। रिपीट करें, जरा समझ आ गई है। अगर फिशर प्रोजेक्शन में फोर्थ प्रायोरिटी वाला हाइड्रोजन के अलावा भी हो सकता है, अगर वो इस साइड पे है तो उसको क्लॉकवाइज आपने घुमा देना है, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। तो देखिए ऐसा करने से, अब इसकी देखिए पोजीशंस लगाएं, प्रायोरिटीज लगाएं, जो प्रायोरिटी लगी हुई है पहले से वो वैसे ही लगी रहने दें। क्या है, ब्रोमीन आपको पता वन था, क्लोरीन टू था, और मिथाइल तीन था, हाइड्रोजन ये फोर था। अब हाइड्रोजन नीचे आ गया, अब देखें कि जो उसका वन टू थ्री ऑर्डर किस तरफ बनता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये वन है, ये टू, और ये थ्री, तो ये क्या बनता है बताएं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, एस होगी, याद रख ले। क्लियर होगी बात, अगर हाइड्रोजन बॉटम में है तो सिंपल क्लॉकवाइज ऑर्डर है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, लेकिन अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है तो उसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, इसको इधर ले जाना है, और फिर देखना है प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह बन रहा है, अगर वो क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस, तो यहां जो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका क्या बनेगा स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बनेगा, एस बनेगा। अब इसमें आ जाए, इसमें हाइड्रोजन इस तरफ है, इसको फिर हमने नीचे लेके आना है, पहले इसका लिस्ट बना लें, ब्रोमीन का क्या है बेटा वन आएगा, क्लोरीन का टू आ जाएगा, इसका थ्री होगा और इसका फोर्थ होगा, तो फोर्थ वाला अब लेफ्ट पे आ गया, यह राइट पे था, राइट वाले को अब इसको इधर लेके आना, फिर उसको उलट कर देना एंटी क्लॉकवाइज, ये इधर और ये इधर, बस ये काम करना आपने, बताएं क्या बनेगा, फिर इसको लिखता हूं यहां पे, बताएं क्या करेंगे,
हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये इधर आया और ये मिथाइल इधर आ गया, और ब्रोमीन यहां से हाइड्रोजन की जगह पे चला गया, और ये क्लोरीन अपनी जगह पे वैसे का वैसे मौजूद है। अब बताएं क्लोरिटी ब्रोमीन की क्या थी, 1, क्लोरीन की क्या थी, 2, और क्लोरीन की 2, मिथाइल की 3 थी और हाइड्रोजन की 4। अब हाइड्रोजन नीचे चला गया बेटा, हाइड्रोजन अब नीचे जा चुका है, अब जो भी ऑर्डर बनेगा उसका देखिए क्लॉकवाइज बनता है एंटीक्लॉकवाइज, तो 1, 2, 3 क्या बना क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बेटा फिर क्या होगी, आर होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन जो है ऊपर आ गया, पहले हमने पढ़ा कि यहां आए तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, फिर जो भी ऑर्डर बने वो इसी का ऑर्डर होगा। ये स्ट्रक्चर नहीं लिखना फिर आपने, वो जो आंसर आएगा वो इसी का होगा, ठीक हो गया। अच्छा अब इसका बताएं क्या होगा, इसमें क्या हाइड्रोजन था, इसको इधर ले आए, इसको इधर, इसको इधर, तो जो प्रायोरिटी ऑर्डर आए वो इसी का, इसी की कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन बॉटम पे है फिर तो सिंपल, जो भी आया वो डायरेक्ट आंसर वही होगा। अब यहां आ जाए, यहां क्या देख रहे हैं हम, यहां पे देखें कि हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गया, अगर हाइड्रोजन ऊपर आ जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, उसको भी नीचे लेके आना है, ऊपर वाले को नीचे लेने का तरीका है ऊपर वाले को फिर आमने सामने वालों को रिप्लेस कर दें, इसको इसके साथ रिप्लेस कर दें और इसको इसके साथ रिप्लेस करें, तो फिर बताएं क्या आएगा। दोबारा लिखता हूं, एच ऊपर से नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, मिथाइल ऊपर चला गया, ये मिथाइल ऊपर चला गया, बीएल उधर चला गया और सीएल इधर आ गया। लेकिन पहले हमने प्रायोरिटी लगानी थी, वो लगा लें दोबारा, पहले ब्रोमीन का औसत रहे पहले नंबर पे, क्लोरीन दूसरे नंबर पे, ये मिथाइल तीसरे नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे। अब बताएं ब्रोमीन पहला था, क्लोरीन दूसरा था, ये तीसरा था। अब बताएं कि मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन बॉटम पे है तो एज इट इज, राइट साइड पे है तो इसको राइट साइड पे था तो इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, अगर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे है तो इसको इधर और इसको इधर करके जो कन्फिग्रेशन आएगी वो इसी की होगी, और अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है वर्टिकल पोजीशन में तो उसको इधर ले जाना है, इसको ऊपर ले जाना है, कर दिया, और इसको इधर और इसको इधर, आमने सामने चेंज कर देना है 180 के एंगल पर अगर हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। अब देखिए इसकी प्रायोरिटी क्या बनती है, मैंने कहा था कि 3 को बाईपास नहीं करना, हम 4 को कर सकते हैं, तो 1, 2 इस तरफ जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही फिर इसकी भी होगी। तो ये बड़ा सिंपल हमारे पास टॉपिक था जिसमें हमने अभी तक डिस्कस किया, तो हमने देख लिया कि अगर हाइड्रोजन बॉटम पे है फिर एज इट इज प्रायोरिटी ऑर्डर जो भी आता है उसको आर या एस कह देंगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के हिसाब से मैं समझा चुका हूं। फिर मैंने क्या समझाया कि अगर हाइड्रोजन राइट साइड पे है तो इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर देंगे, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो इसी की होगी। फिर बताया अगर हाइड्रोजन इस साइड पे है तो इधर से इसको इधर लाएंगे, इसको इधर और इसको इधर, फिर जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1, 2, 3 करके वो क्लॉकवाइज है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन ऊपर है तो क्या बताया, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, आमने सामने वाले को आमने सामने वाले से रिप्लेस कर देंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर क्या बना, ये जो रोटेशन क्या बनी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको एस कहेंगे, तो ये भी क्या होगा, एस, यानी कि रोटेशन करके जो आंसर आएगा वो उसी की कॉन्फ़िगरेशन भी वही होगी, सेम होगी दोनों की। तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन दोबारा इस प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, पहले बताएं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑर्डर क्या होगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, कार्बन क्या होता है 6, तो ये 8 है तो ये 1 आ गया। अब ये दोनों कार्बन सेम आ गए हैं, तो जब सेम कार्बन आ जाए तो हम देखेंगे कि कार्बन से अगला एटम कौन सा ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला है। तो इसमें देखिए कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के साथ 2 तो हाइड्रोजन है, लेकिन उससे अगला क्या है, कार्बन। वैसे भी नजर आ रहा है ये बड़ा ग्रुप है, ये छोटा ग्रुप है, इस तरह भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन वैसे आप याद रखेंगे कि इस कार्बन को अगर ओपन करें तो 3 हाइड्रोजन है इसके साथ, जबकि इस कार्बन को ओपन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन हुए, 2 हाइड्रोजन इस 2 हाइड्रोजन से बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ तीसरा हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ तीसरा क्या होगा, कार्बन। तो कार्बन को यहाँ देखेंगे तो ये दूसरे प्रायोरिटी पे आ जाएगा और ये मिथाइल तीसरी प्रायोरिटी पे आ जाएगा, और हाइड्रोजन फोर्थ वाला फिर कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे और इसको उठा के इधर लेके आएंगे। ये तो था कि इसका तरीका मैंने यहां पे कर दूं तो क्या होगा बताएं, इधर मैं दोबारा लिखता हूं, ये देखिए एक्स चला गया नीचे, OH आ गया यहां और ये मिथाइल उठा के इधर लिख लिया, और ऊपर वाला इथाइल अपनी जगह पे मौजूद है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या था, ये 1 था, ये 2 था और ये 3, तो ये क्या बना, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आर होगा
तो ये भी बेटा क्या होगा फिर आर होगा, जो ये आएगा वही आंसर इसका भी होगा। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, हाइड्रोजन बॉटम, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे याद रखें फोर्थ प्रायोरिटी वाला कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो बॉटम में होना जरूरी है। अगर वो बॉटम हमने जो प्रैक्टिस किया वो सारी अभी तक कौन सी थी, हाइड्रोजन हमने सब में लिया फोर्थ प्रायोरिटी वाला, ताकि हमें बात क्लियर समझ आ जाए। अब हम बात करते हैं ये जो कंपाउंड है इसमें देखें, हमने अब मैंने आपको बता दिया कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला नीचे नहीं है, साइड पे है, तो उसको नीचे लेके कैसे आना है। अब वो मैं वो मसाले हम वही करेंगे जिसमें ऑलरेडी फोर्थ ग्रुप नीचे है, ताकि हमें बार बार प्रैक्टिस वो जो बोर्ड को यूज कम करना पड़े। अब ये कंपाउंड है ये देखें, ऑक्सीजन ब्रोमीन क्लोरीन, तो ब्रोमीन पहले टॉप प्रायोरिटी है, क्लोरीन दूसरे नंबर पे, ऑक्सीजन तीसरे नंबर पे और मिथाइल चौथे नंबर पे आ गया। तो फोर्थ ग्रुप वाला ऑलरेडी नीचे है फिशर प्रोजेक्शन में, इसका मतलब इसका जो भी ऑर्डर आएगा वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो बताएं क्या बनती है, 1 2 3, तो इस तरफ जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो ये क्या बना, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। अब मिथाइल ऑलरेडी बॉटम पे है, अब मैं इसको साइड साइड पे करके नहीं कर रहा, अगर ये मिथाइल इधर होता फर्ज करें तो आप इसको फिर इधर लेके आते, इधर वाले को इधर लेके जाते, इधर वाले को इधर लेके जाते, ये अब नहीं मैं कर रहा। अब इसमें देखें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन, तो क्लोरीन का 17 रामी नंबर होता है, ये 1 पे आ गया। ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से टॉमी नंबर, ऑक्सीजन का 8, नाइट्रोजन का 7, तो ये 8 वाला दूसरे नंबर पे आ गया, नाइट्रोजन का 7 है ये तीसरे नंबर पे आ गया, और ये ऑलरेडी चौथे नंबर पे है और नीचे भी है। अगर नीचे फोर्थ प्रायोरिटी वाला आ गया फिशर प्रोजेक्शन में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखिए उसका। तो 1 2 3 मैंने बताया क्या करना था, 2 की तरफ जाना था, 2 की तरफ ऐसे जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस तरह नीचे आ जाए, इसमें देखें कार्बन 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 सब एटॉमिक नंबर 6, यहां नाइट्रोजन इसका 7, तो इसकी प्रायोरिटी 1 आ गई, ये तो तय हो गया। अब ये तीनों कार्बन है, अब वही बात मैंने बताई थी, अगर आपके सामने चॉइस आ जाए एक ग्रुप मिथाइल हो, एक इथाइल हो, एक एन प्रोपाइल हो, एक एन ब्यूटाइल हो, तो जितनी लंबी चेन होगी उतनी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। इसमें देखें कार्बन मिथाइल है सिंपल, तो कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक इथाइल है, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो देखें किसका एटॉमिक नंबर आपको ज्यादा अपेरेंटली लगता है। तो याद रखें जिसमें 3 कार्बन है उसका प्रायोरिटी 2 होगा, जिसमें 2 कार्बन है उसका प्रायोरिटी 3 होगा, और जिसका 1 कार्बन है सिर्फ उसकी प्रायोरिटी 4 होगी। तो कैसे याद रखना है कि इसके साथ डायरेक्ट कार्बन 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 फैसला नहीं हुआ, इसके बाद आगे 3 हाइड्रोजन, इसके बाद आगे 2 हाइड्रोजन तो 1 कार्बन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन तो 1 कार्बन, तो इन दोनों में फैसला आ गया कौन सा करेंगे, ये चौथे पे चला गया ऑटोमेटिकली। अब इसमें कार्बन के बाद एक ये 2 हाइड्रोजन है, और इसके कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसकी तीसरी हाइड्रोजन की जगह मिथाइल है, तो इसका मतलब इसको फिर प्रेफर करेंगे, तो ये दूसरे पे आ जाएगा, ये तीसरे पे। अब ये हमने नंबर साइन करने के बाद ऐसे याद रख लें, मिथाइल हो, इथाइल हो, एन प्रोपाइल हो, एन ब्यूटाइल हो, तो जितनी लंबी चेन होगी ज्यादा कार्बन वाली होगी वो टॉप प्रायोरिटी होगी, एन प्रोपाइल दूसरे पे आ जाएगा, और अगर एन प्रोपाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल हो उसकी अगली बार एग्जाम्पल आती है। इनमें बताएं 1 2 3 क्या ऑर्डर बना क्लॉकवाइज, तो ये आर बन जाएगा, क्या बन जाएगा आर। अब इधर आ जाओ, अब देखें फिर ये क्लोरीन पहले नंबर पे आ जाएगा, अंडरस्टूड है। अब ये मैंने लिखा है इस तरह, इथाइल भी लिखा है, एन प्रोपाइल भी लिखा है, आइसोप्रोपाइल भी लिखा है। अब बताएं ये इथाइल में तो 2 कार्बन है, मैंने बताया था 2 कार्बन वाला, और ये 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन, तो इनकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी, आपने ये बताया दोनों ही प्रोपाइल है, लेकिन ये एन प्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट 2 कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, इस 1 हाइड्रोजन 2 कार्बन है, तो इसकी प्रायोरिटी बेटा याद रखें ज्यादा होगी और एन प्रोपाइल की जो है प्रायोरिटी कम हो जाएगी। इस तरह अगर एन ब्यूटाइल है और एक जो है वो टर्शी ब्यूटाइल है, तो टर्शी ब्यूटाइल वाला कार्बन होगा उसकी प्रायोरिटी उससे जो एन ब्यूटाइल से ज्यादा होगी, बल्कि एक तरफ अगर जो है वो आइसोब्यूटाइल है जो है आइसोब्यूटाइल भी उससे भी ज्यादा होगी, और अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल है उससे भी ज्यादा होगी, क्लियर है। तो ये इसकी 2 होगी, इसकी 3, तो ये यकीनन चौथे नंबर पे चला गया क्योंकि इसमें कार्बन के साथ डायरेक्ट 1 कार्बन है, इसके कार्बन के साथ आगे 2 कार्बन है, तो ये हमने प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर दिया है। तो चौथा चौथी प्रायोरिटी वाला बॉटम पे है, तो ये क्या बेटा बनेगा 1 2 3। तो अब मैंने कहा 3 को बायपास नहीं कर सकते, हम इधर से जाएंगे 2 की तरफ, तो ये क्या बनेगा
एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। तो कोई मुश्किल बात बेटा इसमें नहीं है, एक ही रूल की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि फोर्थ ग्रुप वाले को बॉटम पे होना चाहिए, बाकी प्रायोरिटी लिस्ट की प्रैक्टिस करेंगे आप, किसका डोमेन नंबर ज़्यादा है, किसका कम है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर मैंने बताया कि अगर प्रायोरिटी लोस्ट वाला इधर है या इधर है, उसको इंटरचेंज कैसे करना है, वो मैंने आपको समझा दिया है। अब आ जाए इस ग्रुप के ऊपर, इसमें बताएं OH है, NH2 यानी कि डायरेक्ट ऑक्सीजन है, इधर डायरेक्ट कार्बन है, इधर डायरेक्ट नाइट्रोजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है 8, तो ये क्या आ जाएगा 1, उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है 2, इधर कार्बन का 6 होता है, तो ये 3 आ गया। बेशक उसके साथ C डबल बॉन्ड O है, हम डायरेक्ट की पहले बात करेंगे, डायरेक्ट में ये ऑक्सीजन का 8, इसका नाइट्रोजन का 7 दूसरे नंबर पे, कार्बन का 6 और ये चौथे नंबर पे, और चौथे नंबर वाला ऑलरेडी बॉटम पे है, तो बताएं क्या ऑर्डर बनेगा, 1 2 है, और 3 को बायपास करेंगे, 4 को बायपास करेंगे, तो ये इसका ऑर्डर बनेगा, और ये क्या बनता है क्लॉकवाइज, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी आर क्लॉकवाइज होगा ये, ठीक हो गया। अब इधर आ गए, इसमें देखें अगर आप बैठा तो क्या नजर आ रहा है आपको, अब डायरेक्ट कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन, तो फर्क क्या है, ये भी कार्बन, इस कार्बन के आगे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके आगे भी सी डबल बॉन्ड ओ है, लेकिन साथ इसके आगे ओ एक और है OH वाला, इसके आगे और हाइड्रोजन है, तो इसमें डायरेक्ट कार्बन है, तो इसका मतलब है पहले हम इन दोनों में से फैसला करेंगे कि कौन सा होगा, इन दोनों में से फैसला करेंगे, तो याद रखें कि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के पास हाइड्रोजन है, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ के पास ऑक्सीजन है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अब दूसरे पे यकीनन क्या आएगा, अब इसमें चूंकि डायरेक्ट CH2 है, ठीक है, तो ये तीसरे पे आ जाएगा, क्योंकि इसके CH2 के साथ आगे ऑक्सीजन है, और इधर क्योंकि सिर्फ मिथाइल है, तो ये फोर्थ पे आ जाएगा। ये आप फौरन कर सकेंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपने कहीं एक दफा लेक्चर सुना तो 3-4 दफा लेक्चर सुनना पड़ेगा आपको ये वाला, फिर जाके आपके फिर आप घर में खुद भी कोई 15-20 पेज उसके जो है वो प्रैक्टिस में लेके आएंगे, फिर जाके आपको समझ आएगी। तो देखें कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये CH2 के साथ आगे OH है, यहाँ CH3 है, तो ये 3 होगा, ये 4 ऑलरेडी बॉटम पे है, तो 1 हुआ ये 2, तो ये क्या एंगल बनता है क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा बेटा आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आ जाए ये ग्रुप्स हैं, जब बेटा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन साइनाइड है और यहाँ पे मिथाइल है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, याद रखें जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको आप ऐसे कंसिडर करेंगे, ये बॉन्ड जो कार्बन का है इसको डबल बॉन्डेड है, तो दो कार्बन ऐसे शो कर देंगे आप, ये आपने याद रखना है, इसको कार्बन है ना ये कार्बन, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो जिसके साथ बॉन्ड है उसको 3 दफा ऐसे बॉन्ड शो कर देंगे आप प्रायोरिटी बनाने के लिए। इस कार्बन का 3 बॉन्ड किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ, तो 3 नाइट्रोजन आप ऐसे शो कर देंगे, ये बस आपने एक पॉइंट समझना है, बाकी आपको पता है बहुत आसान था सारा काम। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मुकाबला आ जाए, तो कार्बन के साथ जो एटम अटैच है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, उसको आपने 3 सिंगल बॉन्ड बना के कार्बन शो कर देने, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये हमने रूल बनाया है प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए। इसका डबल बॉन्ड कार्बन है तो आपने कार्बन के साथ 2, जिसके साथ डबल बॉन्ड है, जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसी को 2 अलग अलग सिंगल बॉन्ड से शो कर देना है, जिस तरह यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से था 3 कार्बन के साथ शो कर दिया, इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन से था उसको 3 दफा एन 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 शो कर दिया। अब फैसला करना आपके लिए आसान हो जाएगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। देखें ये कार्बन है, इसके 2 अभी कार्बन है, इस कार्बन से आगे 3 कार्बन है, और इस कार्बन के आगे 3 नाइट्रोजन है, तो कार्बन 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 से फैसला नहीं हुआ। अगला देखो, इसके आगे 2 कार्बन, इसके 3 कार्बन, इसके 3 नाइट्रोजन, तो ये पहली प्रायोरिटी पे आएगा। देखो मैं सबसे नीचे लिखा भी हुआ है, साइनाइड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, एसिटाइलिन की उससे कम, इथीन की सबसे उससे कम। तो कार्बन के बाद आगे 3 कार्बन थे, इधर कार्बन के बाद 3 नाइट्रोजन थे, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो साइनाइड विल बी एट द प्रायोरिटी फर्स्ट वन। इन दोनों में देखें, इधर 2 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, तो एसिटाइलिन का जो है ट्रिपल बॉन्ड ये सेकंड नंबर पे आएगा और ये थर्ड पे आ जाएगा, और मिथाइल तो आपको पता ही हमेशा फोर्थ पे यहां पे आएगा। तो अब इसकी प्रायोरिटी देखें क्या बनती है, 1 2 3, तो ये क्या बनेगा बेटा क्लॉकवाइज, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस ऑर्डर को वैसे भी याद रख लें आप कि ट्रिपल बॉन्ड अगर है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, यानी कि अगर एक जगह पे इथाइन आ गया, एक जगह इथीन वाला ट्रिपल बॉन्ड आ गया, एक जगह मिथाइल आ गया या इथाइल आ गया, और एक हाइड्रोजन है, तो प्रोपाइन इथाइन ट्रिपल बॉन्ड वाले का पहला नंबर, डबल बॉन्ड वाले का दूसरा, और सिंगल बॉन्ड वाले का तीसरा, और हाइड्रोजन अगर है तो उसका चौथा, तो ये याद रख लेना है।
अब इस ग्रुप में बताएं बताएं सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, फ्लोरीन का 9 होता है तो ये 1 आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन का 7 होता है तो ये 2 आ गया, अब ये साइनाइड का कार्बन का 6, कार्बन का भी 6, अब इनमें मुकाबला आ गया। तो कोई बात, इस कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया था, क्या करेंगे 3N लगा देंगे इसके साथ, और इस कार्बन के साथ भी 3 कार्बन लगाएंगे क्योंकि ये कार्बन के साथ रहेगा। तो अब बताएं कार्बन से अगला इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन से अगला कार्बन है, तो कार्बन से अगला नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ये 3 नंबर पे बनेगा और ये 4 पे ऑलरेडी बॉटम पे है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला। अब इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा, इस तरफ जाएंगे, जब इस तरफ जाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना, तो ये क्या हो जाएगा, एस कॉन्फिगरेशन बन चुकी है। तो बेटा ये सिंपल सा तरीकाकार हमने डिस्कस किया। तो इसमें बेटा एक ही बात आपने सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो मैं आपको तफसील से समझा चुका हूं कि प्रायोरिटी ऑर्डर जो है वो आपने कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर का याद होना जरूरी है। पहले आपने सब डायरेक्ट जो एटम अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखना, जिसका सबसे ज्यादा है वो पहले नंबर पे, जिसका उसके कम है दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर वाला जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। अगर डायरेक्ट कार्बन जो एटम अटैच है उनका एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर उससे अगले एटम को देखेंगे, वो आप प्रायोरिटी लिस्ट आपको मिल जाएगी बुक में लिखी हुई, तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब हमारे पास फिर हमने कहा कि जो फिशर प्रोजेक्शन में अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला हमेशा बॉटम पे होना चाहिए, पहले हमने बॉटम की प्रैक्टिस की, अगर हमने कहा लेफ्ट पे आ जाए तो उसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन उसकी आएगी वो पहले वाले की वही होगी। इस तरह अगर राइट पे है, ये राइट पे था, ये लेफ्ट पे है, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वही इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। लेकिन पहले आप प्रायोरिटी ऑर्डर लगाएंगे तो फिर पता चलेगा ना फोर्थ ग्रुप किस पोजीशन पे है। यहाँ मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के अलावा भी हो सकता है, तो यहाँ फिर हाइड्रोजन अगर ऊपर है तो उसको नीचे वाले से रिप्लेस करेंगे, इसको इस वाले से रिप्लेस करेंगे 180 के एंगल पे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको फिर हम इसी की कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे क्योंकि वो सेम होगा, क्योंकि हमने रोटेशन कर दी है। इस तरह यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन राइट साइड पे है, इसको इधर रिप्लेस करेंगे, इसको इधर और इसको इधर ले आएंगे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो इसी की होगी। ये बात आपने हिंट हैं, ये ट्रिक्स हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। उसके बाद आपने याद रखना क्या है, अच्छा एक और तरीका भी है इसको डायरेक्ट याद करने का, क्या आप ये दो शिफ्टिंग नहीं करना चाहते, फर्ज करें हाइड्रोजन इधर आ गया, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला इधर है, आप कहते हैं सर ये इसको सिंपल नहीं कर सकते, मैं कहूंगा आप कर सकते हैं सिंपल। कैसे, हाइड्रोजन इधर हो या इधर हो, आप ये रोटेशन करें ना, आप ये रोटेशन ना करें फिर भी आप बता सकते हैं कैसे, आपने प्रायोरिटी लिस्ट जो लगा दी है कि ये फर्ज करें 1 था, ये 2 था और ये 3 था, इस हिसाब से देखें क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है रोटेशन किए बगैर, हाइड्रोजन को इधर ही रहने दे, बताएं क्या बनती है 1 2 3, तो इस तरफ जाएंगे तो ये क्या बना क्लॉकवाइज, तो क्या बना क्लॉकवाइज, आ रहा है ना आंसर, क्या आंसर है आर, तो आप इसको उलट करें तो क्या बनेगा एस, तो आप इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन समझ लेंगे, क्योंकि देखो इसकी एक्चुअली आपने देखा था कि क्या आती है कॉन्फ़िगरेशन, एस सी आती है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर हाइड्रोजन को आप शिफ्ट नहीं करते तो उसी से आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल लें, जो भी आए उस आंसर को उलट कर दें, तो आपको ये शिफ्टिंग करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये ट्रिक है, शॉर्टकट है, कि एक बच्चा कहता सर ये मैं इधर लेके जाऊं, इधर लेके आऊं, इधर लेके आऊं, मैं नहीं करना चाह रहा, तो ना करो भाई, इसको मैं इधर लेके आऊं, इधर लेके आऊं, इसको नहीं करना, ना करो, क्या करो फिर, जो प्रायोरिटी ऑर्डर आया है 1 2 3, तो इस तरफ जाओ तो क्या बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो एस बनता है, लेकिन आप उसका आंसर लिखेंगे क्या, आर लिखेंगे, तो वो आंसर वही होगा जो आपने शिफ्ट करके निकालना था। बात समझ आ गई है। इसमें देखें फोर्थ वाला ऊपर है, और अगर फोर्थ वाला ऊपर है तो फिर याद रखिए उसका आंसर ऑलरेडी वही आएगा जो पहले है। तो इसलिए अगर हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी वाला ग्रुप राइट पे है या लेफ्ट पे है तो क्या करना है, आपने उसको रोटेशन नहीं करना चाहते ना करें, नहीं करना चाहते ना करें, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर लगा के उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करें। अगर आर आए तो उसका आंसर एस लिखेंगे, अगर एस आए तो उसको उलट करके आर कर दो तो समझ लो आपका आंसर ठीक होगा। ये शॉर्ट की है। और अगर ऊपर है, अगर ऊपर है तो फिर उसको नीचे लाने की जरूरत नहीं है, जो कॉन्फ़िगरेशन आए वही होगी, उसको उलट नहीं करना। क्या बताएं हिंट, मैंने क्या बताया हिंट, और क्या हिंट बताया बताओ, कि एच अगर इधर है फोर्थ प्रायोरिटी वाला, फर्ज करें इधर फोर्थ प्रायोरिटी वाला मैंने लिखे नीचे हैं, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला इधर हो चाहे इधर हो
आप उसको रोटेट ना करें, उसका एज इट इज आंसर निकाल लें, जो आंसर आए उसको उलट कर दें, आर आए तो एस लिख दें, एस आए तो आर लिखते हैं, जो आपका सही होगा। अगर हाइड्रोजन ऊपर है नीचे ना लेके आए, ऊपर रख के जो आंसर आए वही आंसर होगा, उसको उलट नहीं करना। उलट किसको करना है, जब एच राइट पे हो या फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप राइट पे हो या लेफ्ट पे हो। अगर आप इंटरचेंज नहीं करना चाहते, बार बार कह रहा हूं कि पहला तरीका क्या होता है, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको लेके आओ इधर, तो जो आंसर आएगा वो इसका ही आंसर होगा। लेकिन आप कहते नहीं सर मैंने शॉर्ट इससे भी शॉर्ट करना है, तो आप बेटा ये काम करो ही ना, इसी ऑर्डर में जो कॉन्फ़िगरेशन आए क्लॉकवाइज आए तो उसको एस कह, आर बनता है एस कह दो, एंटी क्लॉकवाइज आए तो एस बनता है उसको आर कह दो। तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ये इंटरकन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऊपर एच है तो इसको भी नीचे लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके आओ, वो भी बेटा करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है। कि अगर एच ऊपर है या फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर है तो आप उसका नाम जैसे ही प्रायोरिटी बनती है वैसे लिख दें, वही आंसर होगा, कन्फर्म बात है। तो इसकी आप बेटा प्रैक्टिस करें। फिर अगर एटॉमिक नंबर तीनों ग्रुप्स का सेम आ जाता है, जैसे एक ऑर्डर लिखा होगा बुक में कि ड्यूट्रियम आ जाए, ट्रिटियम आ जाए और हाइड्रोजन आ जाए, तो अगर तीनों एक कार्बन के साथ चार ग्रुप डिफरेंट आ जाए, एक हाइड्रोजन है, एक ड्यूट्रियम है, एक ट्रिटियम है और एक जो है वो मिथाइल है सपोज, तो यहाँ पे जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया फर्ज करें, तो उसके बाद ड्यूट्रियम हाइड्रोजन ट्रिटियम में किसका नंबर लिखेंगे, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, फिर देखेंगे मास किसका ज्यादा है, तो प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम, तो प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा ट्रिटियम का, तो ये दूसरा नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा हाइड्रोजन, चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह फिर एटॉमिक नंबर जब सेम होगा तो किसको देखेंगे, एटॉमिक मास को। ये एग्जांपल एक है, वैसे ये कम ही होती है, लेकिन आप याद रखें कि अगर हाइड्रोजन ड्यूट्रियम प्रोटियम ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में फैसला करना हो तो ट्रिटियम का टॉप प्रायोरिटी होगी, ड्यूट्रियम का उससे बाद और हाइड्रोजन सबसे लास्ट पे आएगी। उसके बाद ये जितनी भी प्रैक्टिस हमने की है किसके लिए की है, फिशर प्रोजेक्शन के लिए, किसके लिए, फिशर प्रोजेक्शन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा प्रैक्टिस करेंगे अगर हमारे पास वेज डैश स्ट्रक्चर हो, जैसे कि बुक में एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो दुआओं में याद रखना है आपने अपने, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, इसमें कमेंट्स ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।